आज की ये कहानी जापान के सबसे खतरनाक क्राइम नेटवर्क यकूजा के एक ऐसे मेंबर के बारे में है जो जापानीज ना होने के बाद भी यकूजा का एक लॉयल मेंबर बन जाता है। चिजो फैमिली के लोग निक से उसका पैसा छीनने लगते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। निक ने सालों पहले आर्मी की ट्रेनिंग तो ली थी, इस समय वही काम आए और वो वहीं पर दो लोगों को मार डालता है। लेकिन शिरोमात्सु फैमिली का बॉस इस एक्ट से बिल्कुल खुश नहीं था। साथ ही उन्हें पता चल गया कि उनके गैंग में ही कोई गद्दार है जो शिजु फैमिली को उनके हर डील के बारे में बता दे रहा है। बॉस को अब निक पर शक होता है। कियोशी और ओरिची उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि निक ने उनके पैसे बचाए हैं और वो बहुत भरोसे का आदमी है, लेकिन बॉस को नाराज देख निक अपने हाथों की दोनों उंगलियां काट कर अपनी अपॉलोजी दे देता है। अब वो मियो और यकूजा कल्चर के और भी करीब आने लगता है। वो उनकी तरह ही कपड़े पहनने लगा, बॉडी पर टैटू बनाने लगा और उन्हीं की तरह चलने फिरने भी लगा। उसकी गैंग में एक्सेप्टेंस पार्टी के बाद कियोशी उसे समझाता है कि वो मियो से दूर रहे क्योंकि गैंग मेंबर्स की फैमिली हमेशा अनसेफ रहती है, जिसके बाद निक उसकी बात को मान लेता है। निक डिसाइड करता है कि वो कियोशी की मौत का बदला लेकर रहेगा, जिसके बाद नंबर्स में कम होने के बावजूद निक और उसके आदमी शिजु फैमिली के कई मेन लोगों को मार डालते हैं। शिजु फैमिली इस कमबैक को एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही, इसलिए वो शांति प्रस्ताव भेजते हुए शिरोमात्सु फैमिली को एक जगह बुलाते हैं। जब दोनों फैमिलीज वहां पहुंचती है तो बॉस देखते हैं कि ओरिची शिजु फैमिली से मिला है और वो उनसे माफी मांगना चाहता है। बेटे के मुंह में बॉस आगे बढ़कर ओरिची को गले लगाते हैं। तभी ओरिची बॉस की पीठ पर चाकू मार देता है और बाकी गार्ड्स शिरोमात्सु फैमिली को पकड़ लेते हैं। लेकिन जिसे आज वो अपनी फैमिली में ऐड कर रहे हैं वो एक बुजुर्ग और अपने ही बाप को मारने वाला अपराधी है, और ये किसी को भी धोखा तो दे ही सकता है। वापस जाकर निक मियो के पास जाता है और जहां बची हुई शिरोमात्सु फैमिली मियो की रक्षा कर रही थी, वो मियो को हक करता है और सारे मेंबर्स उसके सामने सिर झुका लेते हैं और निक शिरोमात्सु फैमिली का नया बॉस बन जाता है। और दोस्तों, ऐसी ही एक गैंगस्टर की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है KGF 3 की कहानी। तो आप हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।